हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इडली और सांभर। देखिए इस तरीके की कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और सांभर सांभर देखिए आप, कितना अच्छा हमारा सांभर बना। देखिए बहुत ही अच्छा सांभर बना है, तो इतना अच्छा सांभर बना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर तुअर की दाल ली है फ्रेंड्स, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो ये मैंने आधा कटोरी ली है और इसे भिगो देते हैं पानी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी सूजी को भिगो कर रख देंगे। इससे क्या है, वो बहुत ही अच्छी फूलेगी और इडलियाँ भी बहुत अच्छी बनेगी हमारी। इसलिए आपको नेप बता देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कम से कम 250 ग्राम सूजी ली है। एक कटोरी के अंदाज से आप ले लीजिए। तो मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है। और आप मतलब एक कटोरी सूजी लो तो एक कटोरी ही दही लो। इससे क्या है ना, हमारी इडली सॉफ्ट बनेगी और इसका अनुपात भी सही रहेगा। तो इसे घोल लेते हैं। दही मैंने थोड़ा सा खट्टा वाला लिया है और गाढ़ा दही लिया है एकदम। कर लेते हैं। क्यों, इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम हमें आधा घंटे से भी ज़्यादा चाहिए। तो हम उस टाइम में अपनी सांभर बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, कितनी गाढ़ी हो चुकी है ना। थोड़ा पानी डाल डाल के इसे पतला कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला करना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का बेटर होना चाहिए हमारा, इस तरीके का। अब इसे ढककर रख देते हैं जब तक हम हमारा सांभर बनाए। उसमें हमें चाहे टाइम लगे, वैसे आप आधा घंटा रख दीजिए, इसे बहुत काफ़ी है। सांभर बनाने के लिए जो सब्जी ली है वो 2 हरी मिर्ची ली है थोड़ी मोटी वाली, और 3 आलू लिए हैं छोटे छोटे, और 2 टमाटर लिए हैं, और 1 प्याज लिया है, और 1 लौकी ली है मैंने। तो प्याज मैं इसके अंदर ही डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला। मैंने सारी सब्जियों को इस तरीके से कट कर लिया है और प्याज मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला है। आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और सब्जी आप अपनी मनपसंद की ले। मुझे जो मेरे पास थी मैंने वो ही ली है। तो इन सबको मैं एक कुकर में डाल लेती हूँ। थोड़ा सा नमक और दाल डाल देते हैं। दाल को मैंने धो लिया है। थोड़ी सी हल्दी। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने मोटा धनिया लिया है, थोड़े आधा चम्मच मैंने मेथी दाने लिए हैं, और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। सौंफ का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैंने ली है। आप चाहे तो लीजिए, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मत लीजिए। और 2 लाल मिर्च लिए, इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। कि फ्रेंड्स, मैंने इन सब मसालों को रोस्ट कर लिया है और ज़्यादा नहीं किया है। देखिए इतना अच्छा, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है और इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं ये मसाला इसके साथ ही डालूंगी, इससे पूरी दाल में पूरी सब्जी में इसका फ्लेवर आ जाएगा। जो हमारी दाल थी वो भिगी हुई एक कटोरी थी, उसी के हिसाब से पानी डालेंगे उसमें। इसमें तो एक कटोरी दाल थी तो इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। और आप भी ध्यान रखिए, अगर आपकी सूखी सूखी दाल एक कटोरी है तो आपको उससे 8 गुना पानी डालना होगा। तो ये 4 कटोरी पानी डाल देते हैं इसमें। फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 चम्मच छोटा देसी घी डाल देती हूँ। इससे क्या है, ये हमारी दाल बॉईल होते समय बाहर भी नहीं निकलेगा इसका पानी, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ढक्कन ढक्कन लगा देते हैं और 4 सीटी आने तक इसे पका लेते हैं। 4 सीटी लग चुकी है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, और जब तक विसल ना निकले तब तक हमें कुकर को छेड़ना नहीं है, ये अपने आप निकलेगी। उसके बाद में इसे देखते हैं। हमारी विसल निकले तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के की तैयारी करने के लिए मैंने क्या लिया, मीठा नीम।
जिसे कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, और लहसुन की कलियां ली है, इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, और सरसों के दाने लिए हैं, ये मैंने बारीक वाली सरसों ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये लाल मिर्ची ली है मैंने सूखी दो, और हींग ली है मैंने। गरम हो चुका है, मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप सरसों ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 1 बड़ा चम्मच। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें लौंग डाल देते हैं। और साथ में ही लहसुन की कलियां डाल देते हैं। और फ्लेम को मैंने लो कर रखा है। लहसुन हमारी देखिए कितनी अच्छी ब्राउन हो चुकी है, अब राई डाल देते हैं इसमें। राई हमारी तड़कने लगी है, कड़ी पत्ते डाल देते हैं इसमें, और साथ में लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर। तो लीजिए हमारा तड़का एकदम तैयार है। अब फ्रेंड्स बिसल हमारी निकल चुकी है, और देखते हैं हमारी सब्जी कितनी कुक हुई है, एकदम परफेक्ट। देखिए सब्जी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गली हमारी, मुझे ऐसी ही सांभर चाहिए। तो अब इसे वापस से गैस पे चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा घोलना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिक्स कीजिए। अब जो मैंने इमली का पानी, इसे मैंने इमली को मैंने कम से कम 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, ये पानी डाल देते हैं इसमें। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, आप इसके जगह पे शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ लिया है, इससे बहुत, आपको पता है ना सांभर में थोड़ा खट्टा मीठा जब तक फ्लेवर नहीं आया। सांभर हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल देते हैं इसमें, 1 चम्मच सांभर मसाला डाल देते हैं। फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच ही लिया है, क्योंकि मैंने आपको आपको दिखाया था मैंने खड़े मसाले इसमें कूट कर डाले हैं, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्लेवर, इसलिए मैंने सांभर ज़्यादा नहीं डाला है, सांभर मसाला ज़्यादा नहीं डाला इसमें। अब फ्रेंड्स इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए। उसका सा मैंने पुदीना, सूखा पुदीना लिया है, ये डाल देते हैं, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया वो डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इस तरीके से मतलब ये जो दाल और ये हरी सब्जियां जो दिख रही है ना खड़ी खड़ी, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इसे अच्छी तरीके से मेस भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस सब्जी को थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है। इसे मतलब सांभर को चलाते चलाते ही मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, इससे मतलब सब चीज़ों में ये मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारे तड़का लगा है, और कितना अच्छा बना है देखिए फ्रेंड्स। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, और हमारा सांभर बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब इडली बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें पानी को थोड़ा बॉईल कर लेते हैं, मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, और हमारी जाली लगा देते हैं इसमें। जाली एकदम से डूबनी नहीं चाहिए पानी में, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए इस तरीके से। बॉईल हुए तब तक इडली का घोल देख लेते हैं हम। अब देखते हैं हमारा घोल, देखिए फ्रेंड्स कितना गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा घोल को पतला कर लेते हैं, बहुत ही गाढ़ा हो चुका है ये, थोड़ा पानी डाल दिया मैंने। फ्रेंड्स हमारा बेटर ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब फ्रेंड्स मैंने आधा बेटर लिया है, आधा मैंने निकाल लिया है, और इसमें मैं आधा चम्मच इनो डालूंगी। जितना आपको इडली बनानी है उतना ही घोल ले, और उसमें उतना ही इनो, ये मैंने आधा आधा इनो डाला है, आधा पैकेट। इन सब के मैंने तेल लगा लिया है, और इसमें बैटर डाल देते हैं। इन
तीनों डालने के बाद में ज़्यादा इसे ही मतलब मिलाना नहीं है। अब 15 मिनट इसे स्टीम होने देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, अब उगाड़ कर देखते हैं। आप इसे चेक इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब हमारी इडली एकदम तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी इडली बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है, और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फुली है, देखिए कितनी अच्छी फुली है, बहुत ही अच्छी फुली है ये देखिए। तो आप फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, और आप मेरी इस रेसिपी की जैसे बनाकर देखिए, आपको बहुत बहुत चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आएगी और टेस्ट आपको इतना लाजवाब आएगा। एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिए, और आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। मैंने पुदीना और ग्रीन मिर्ची की चटनी बनाई है। अगर आपको देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा सांभर तैयार हुआ है, और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।